हेलो दोस्तों, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने जो है मेरा दोस्तों कंप्यूटर को टीवी को जो है कनेक्ट किया है। कभी कभी क्या हो रहा है, बहुत लोग को प्रॉब्लम आ रहा है, मेरे को भी प्रॉब्लम आ रहा है दोस्तों। क्या होता है कि ये सीपीयू का जो साउंड रहता है दोस्तों, ये टीवी के अंदर नहीं आता है दोस्तों। तो उसका सोल्यूशन क्या है आज के वीडियो में वही बताऊंगा। वीडियो को पूरा एंड तक देखिए, बिल्कुल आसान दोस्तों, एकदम सिंपल स्टेप है। वो करते ही क्या होगा, आपके जो कंप्यूटर का जो साउंड है दोस्तों, वो आपके टीवी में आ जाएगा। इसे किस तरीके से कनेक्ट करना है, ये वाला तो मैंने वीडियो डाल ही दिया है। कभी कभी क्या हो रहा है कि ये कंप्यूटर का साउंड इसमें नहीं आ रहा है दोस्तों, वो प्रॉब्लम हो रही है बहुत लोगों को। जब भी HDMI केबल से जो कनेक्ट करते हैं दोस्तों, तब वो प्रॉब्लम हो रही है। वो कैसे सॉल्व करना है, क्या करना है, वीडियो में पूरा बताऊंगा। वीडियो में जो है पूरा एंड तक बने रहिए और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और दोस्तों शेयर भी कीजिए अपने दोस्तों में, ताकि वो भी जो भी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, उनको प्रॉब्लम का सोल्यूशन पता लगे, नहीं तो भी उनको नॉलेज मिल जाए। इसीलिए उनको शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि ऐसे लेटेस्ट लेटेस्ट वीडियो मैं जो है डालता रहता हूँ दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देखेंगे, जब भी आप खोलेंगे तो आपको सबसे पहले क्या है, आपके साउंड में जाना है। साउंड में के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये नीचे जो दिखा रहा है वन प्लस टीवी करके जो दिखा रहा है, इंटरनेट डिस्प्ले करके, वहाँ पे नीचे आप देख सकते हैं वो साइड में, तो उसको जो दिखा रहा है दोस्तों, ये तो करेक्ट कनेक्ट है। जब आप ऐसे आवाज़ ऊपर नीचे करोगे तो आवाज़ कभी कभी नहीं आएगा दोस्तों। अभी तो मेरा आ रहा है, कभी कभी नहीं आता है। जब भी नहीं आता है तो मैं क्या करता हूँ, एकदम सिंपल सोल्यूशन है दोस्तों इसका। यहाँ पे देखिए, वहाँ पे ये देखिए, ये लेफ्ट साइड में जा रहा हूँ जो कि आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे लेफ्ट साइड में आपकी जो है कंप्यूटर स्टार्ट करते हैं, यहाँ पे चले जाइए, इसके ऊपर ये जो आ रहा है इसमें मारिए, यहाँ पे आप देख सकते हैं रीस्टार्ट का जो बटन आ रहा है, इस पर क्लिक कर लीजिए। रीस्टार्ट करते ही दोस्तों आपका दोस्तों कंप्यूटर बंद होकर चालू हो जाएगा। जैसे ही ये रीस्टार्ट होगा, आपका दोस्तों जो है साउंड टीवी के स्पीकर काम करना स्टार्ट हो जाएंगे। कभी कभी क्या होता है, इरर के कारण थोड़ा बक्स रहते हैं दोस्तों टीवी के अंदर, इसी कारण क्या होता है, या फिर दोस्तों ये जो जेब्रन यानी जो आपका कंप्यूटर रहता है वो ठीक से बेचते रहता है, वो बेचते रहता है दोस्तों टीवी के अंदर थोड़ा प्रॉब्लम रहती है, वो कभी कभी कैच नहीं करता उसका दोस्तों, वो सिस्टम जो है सोया हुआ रहता है। तो रिस्टार्ट करते ही क्या है, उसको वो जाग जाता है, तो आपके जो है स्पीकर काम करने स्टार्ट होते हैं दोस्तों। इसी तरीके से बड़ी आसानी के साथ आप दोस्तों आपके मतलब कंप्यूटर को दोस्तों टीवी के स्पीकर जो है कनेक्ट कर सकते हैं। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, कुछ भी सवाल दीजिए बिंदास कमेंट कर लीजिए। आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए चालू हो गया, अभी भी चाहिए तो आपको दिखाता हूँ वो साउंड, ये करके ये देखिए आवाज़ आ रहा है टन टन करके। चलिए बाय दोस्तों।